संगीता शर्मा की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फलाहारी भजिए, यानी उपवास में खाए जाने वाले भजिए। और ये भजिए बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन भजिए बनाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कॉमेंट्स कीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं फलाहारी भजिए। फलाहारी भजिए बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बाउल राजगिरे का आटा, ये उपवास वाला आटा है। आप राजगिरे की जगह सिंगाड़े का आटा भी ले सकते हैं। दो बॉयल किए हुए आलू, बॉयल किए हुए आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है, आप हाथ से भी बारीक मैश कर सकते हैं। चार हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा, इनको भी हम एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हमने पेस्ट तैयार कर लिया अदरक हरी मिर्च का। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने, इनके छिलके निकाल के हम इनको भी दरदरा पीस लेंगे। इस तरह हमने मूंगफली के दानों के छिलके निकाल लिए थे और दरदरा पीस लिया। ये हमने सेंधा नमक लिया है जो उपवास में खाया जाता है, और ये साबुत जीरा जो कि भजिए में बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं भजिए। सबसे पहले बाउल में हम राजगिरे का आटा डालेंगे, मूंगफली के दाने का दरदरा पाउडर लिया वो भी डाल देंगे, साबुत जीरा, नमक स्वाद अनुसार, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। अब एक बार हम सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। अभी क्रश किए हुए आलू है इनको भी डाल देंगे हम, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ ये भी डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू को भी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए भजिए की तरह इसका एक घोल बना लेंगे हम। ये भजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इन भजियों को आप किसी भी व्रत में आप खा सकते हैं। फलाहारी भजिए में जो हमने मूंगफली के दाने डाले हैं, इससे हमारे भजिए कुरकुरे लगेंगे और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने भजिए का घोल तैयार कर लिया है। इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से हमारा घोल सेट हो जाए और हमारे भजिए एकदम बढ़िया और क्रिस्पी बने। 10 मिनट हो गए हैं, भजिए का घोल भी हमारा सेट हो गया है और ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम भजिए बनाएंगे। जितने कढ़ाई में उतने ही डालें, पलट पलट के ब्राउन होने तक सेक लेंगे इनको। देखिए तैर के भजिए तेल के ऊपर आ गए हैं। भजिए सिक के तैयार हो गए हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए, हमारे फलाहारी भजिए बनके तैयार हो गए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं एकदम, क्योंकि हमने इसमें मूंगफली के दाने डाले हैं, आलू डाले हैं, इससे भजिए का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन भजियों को आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप दही डाल के खा सकते हैं। ये देख, थोड़ी सी शक्कर डाल के मैंने दही को फेंट लिया है। इस तरह से आप एक डिश तैयार करके खा सकते हैं, एकदम चटपटा खाना है आपको। तो लाल मिर्च पाउडर डाले ऊपर से, रोस्टेड जीरा पाउडर। देखिए हमारी फलाहारी भजिए की डिश बनके तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही दिखने में, और उसके साथ खाने में भी बहुत अच्छे भजिए। तो आप भी इस विधि से ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव लिखकर मुझे बताइए, और नवरात्रि व्रत में आप जरूर बनाकर खाइए।